बंदा को देखो मुड़ गया वो देखो लगा पड़ा है स्टेटस लगाने में, वो स्टेटस डालने में बिजी है बंदा। तो इधर कोविड टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर एक फॉर्म भरना पड़ता है ICMR, उसके बाद जो है हमें जाना पड़ता है अंदर की तरफ। तो पांच जान बैठ गए हम लोग, इधर भी देखा ना। तो हेलो, अभी हम लोग जो है मतलब कामाख्या गेट है ना भैया, कामाख्या गेट से हम लोग जा रहे हैं कामाख्या। दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तिनसुकिया जंक्शन और ये है स्टेशन का नज़ारा, और हमारे साथ है अर्जुन। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जाने वाले हैं वापस से गुवाहाटी जाने वाले हैं, एंड आप लोगों को उधर का सीन वगैरह मिलेगा। और अभी और भी बंदे हैं हमारे साथ उधर स्टेशन में यानी प्लेटफार्म में रुके हुए, तो अभी हम उनसे भी मिलने वाले। तो ये वाला वीडियो में आप लोगों को ना थोड़ा एंटरटेनमेंट करने को मिलेगा। और अभी हम चलते हैं डायरेक्ट प्लेटफार्म की तरफ, अभी हमारे पास जो है ज़रा टाइम नहीं है, मतलब 15 मिनट है और ट्रेन भी जो है आने वाला है, 7:40 का हमारा ट्रेन है यानी कामरूप एक्सप्रेस ट्रेन है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्लेटफार्म की तरफ। तो गाइस हम अभी आ चुके हैं 1 नंबर प्लेटफार्म पर, और आप लोग देख सकते हो प्लेटफार्म का नज़ारा, ये है प्लेटफार्म 1 नंबर, पूरा जो है खाली है। और इधर आप लोग को दिखा देता हूँ, इधर पूरा जो है पैसेंजर भरा पड़ा है। और अभी मैं आप लोग को अपने दोस्तों से मिलवा देने वाला हूँ, हम लोग जो है 5 बंदे जाने वाले, एक तो आप लोग पहले ही मिल चुके हैं, और इधर आप लोगों को मिलवा देता हूँ, ये तो अर्जुन से आप पहले ही मिल चुके हैं, और ये है पिंटू अपना। उसके बाद मैं आप लोगों को जो है पंडित जी से मिलवा देता हूँ, जो अपना करण गिरी है, ये रहा करण गिरी। पंडित जी मत बोल भाई कोई बात नहीं चलेगा उतना। और ये है अमित। तो अभी हम लोग का ट्रेन ये रहा यहाँ पर खड़ा है, तो चलो अब हम चलते हैं ट्रेन में बैठने के लिए। और 2 बंदा आगे चल गया है हम लोग का। चुके ट्रेन में, और करण कितना नंबर है हम लोग का? 49। यहाँ पर कितना है? 49 से 42, 43, 44 कितना नंबर है? 49 से 52। हम तो भाई ऊपर चले हैं। ओ भाई भाई, ये भाई हमारा है। तो फाइनली अपन बैठ चुके हैं ट्रेन में, और जो है ट्रेन भी अब खुलेगा, मतलब अभी टाइम है, अभी जो है 10 मिनट के टाइम है ट्रेन खुलने के लिए। और सब लोग अपना जो है स्थान ग्रहण कर लिया, देख सकते हो ये है पिंटू। तो अब हमारा जो है ट्रेन भी खुल चुका है, और कल हम लोग मॉर्निंग में पहुंचने वाले हैं 8 बजे के आसपास, यानी मॉर्निंग के 8 बजे पहुँचने वाले हैं। और कल आप लोगों को जो है थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है एंटरटेनमेंट करने को मिलेगा। तो देखो ये अपना कौन बोल रहा है, खरान। एक बार और देखो, वन मोर ना भाई, हम बेचने नहीं आए, घूमने आए। तो बंदा जो है अभी से जोश में है, मतलब कल क्या करेगा पता नहीं, लेकिन अभी यार पूरा जोश में है। अरे यार इधर बैठने थे मुझे। तो बताओ कल एंटरटेनमेंट होगा, देखते हैं अभी शेड्यूल बनाना है हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे। देखो वे टू गुवाहाटी, एक स्टेटस डालना शुरू कर दिया, एक स्टेटस डालना, वाह। क्या फॉलो कर देना इंस्टाग्राम आईडी, क्या आईडी नाम बता दो भाई, करणगिरी बस। बंदा को देखो मुड़ गया वो देखो, लगा पड़ा है स्टेटस लगाने में, वो स्टेटस डालने में बिजी है बंदा। तो कल का क्या शेड्यूल रहेगा हम लोग दोनों मिलके जो है बनाने वाले, और कल कहाँ कहाँ घूमना है वो भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि यार अगला बार तो हम लोग उमानंद घूमा और रोप वे वो धौल गोविंदा फिर से वो दुर्गा माँ का एक मंदिर, दीर्घेश्वरी मंदिर, दीर्घेश्वरी मंदिर घूमा, और उसके बाद रोप वे भी हम लोग किया था। अभी बहुत चीज़ घूमना बाकी है, अभी आज रात भर में हम लोग वो सब बनाएंगे शेड्यूल, जैसे जो जो चीज़ पिछला बार मिस हो गया था इस बार हम लोग वो कवर करने का कोशिश करेंगे। और बेसिकली आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि हम लोग जो है किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, तो अपना करण बताएगा कि हम लोग किस चीज़ के रिगार्डिंग जा रहे हैं हम लोग गुवाहाटी। एग्जाम देने,
कौन सा एग्जाम है? टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम देने जा रहे हैं और हम लोग साथ में वीडियोज भी बना रहे हैं वहीं पे। हम लोग एग्जाम देने के बाद भी 2 दिन वहाँ रुकेंगे और वहाँ रुक के आसपास के जो भी घूमने वाला जगह है वहाँ घूम के वहाँ का डिटेल्स देंगे आपको, वहाँ का वीडियो बना के बताएंगे आप। और हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो है संडे को, तो हम लोग जो है वहाँ पर मतलब अभी जाएंगे। कल तो जाने के बाद जो है हमें कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, सबसे पहला काम वही है हमारा। सबसे पहले घूमने वाला जगह भी वही है, GMCH जाएंगे हम, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो वहाँ सबसे पहले वीडियो बनाएंगे हम। वीडियो नहीं, पहले हम लोग को कोरोना टेस्ट कराना है और ऊपर से हम लोग का ब्लॉगिंग का भी काम करना है, तो हम लोग दोनों काम को जो है लेके चलना है। क्योंकि हम इधर गया था तिनसुकिया सिविल में तो इधर जो है कोविड टेस्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने रिटर्न आ गया और ये बोला कि GMCH में करवा लेगा यानी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में करवा लिया जाएगा। तो हम बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, आखिर तो वहाँ पर जाना ही है। तो कल हम लोग जो है मतलब मॉर्निंग का उतरते उतरते उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह करके हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? GMCH। मतलब इंजॉयमेंट होगा? होगा नहीं यार, कैसा होगा कल पता कर। आज तो पूरे जोश में, कल कैसा जोश रहता है क्योंकि मतलब अगला बार तो हम लोग इंटरटेनमेंट किया था और आप लोगों को भी करवाया था, है कि नहीं? तो यार थोड़ा मौज में बोल दो बढ़िया से, जय माता दी। तो चलो अब हम लोग थोड़ा और भी बंदा लोग को थोड़ा आप लोगों को मिलवा देता हूँ, वो लोग का हाल चाल क्या है, मतलब वो लोग सही से बैठा है या नहीं बैठा। तो चलो चलते हैं, चले थोड़ा लगा पड़ा है जाना भाई आगे ना। चलो नेक्स्ट वाले सीट में अपना कुछ दोस्त लोग हैं, उन लोगों से भी आप लोगों को जो है मिलवा देता हूँ। ये है अपना संतोष, आप लोगों ने एक आध ब्लॉग में शायद देखा होगा, ठीक है। और ये है प्रीति। तो आज हम लोग जो है कहाँ जा रहे हैं भाई? गुवाहाटी। गुवाहाटी, तो भाई चलो 5 बंदा था और अभी एक और दो और एक भैया था ना शायद, तो हम लोग कितना बंदा हो गया? 8 बंदा हो गया। गुवाहाटी में कहाँ जा रहे हैं भाई? कामाख्या माता रानी के दर्शन करने। तो अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, तो भाई तुम भी करो, मैं भी जा रहा हूँ, बाय गुड नाइट। ओ भाई लोग अकेले भाई, एक गड़बड़ है। और रोशन भाई क्या लेके आया है? ओ भाई निकालना बाकी, क्या क्या है अब खोलने के बाद ही पता चलेगा। बहुत सारा आइटम निकल रहा है भाई, तुम क्या लेके आया? आलू का भुजिया रोटी। और इधर भाई ये फ्राइड राइस खाने में लगा हुआ है, भाई मेरा भी पेपर लगा दे। तो अब हमारा जो है डिनर कंप्लीट हो गया और हम जा रहे हैं अब सोने के लिए। और ये अपना सब लोग जो है बिस्तर यार पूरा मतलब सीट पकड़ लिया है सोने के लिए, ये बंदा भी यार पूरे जोश में है। और बच गया हम और अमित, तो अभी हम लोग जाएंगे दूसरे वाले सीट में, उधर भी अपना सीट है तो उधर जाके अभी सो जाएंगे। कल सुबह हम लोग 8 बजे के आसपास पहुँचेंगे। गुड मॉर्निंग यार आप सभी को, और अभी मॉर्निंग के हो चुके हैं 5:40 और देख सकते हो यार मॉर्निंग का नज़ारा। तो अभी हम लोग गुवाहाटी पहुँचेंगे 7:30 के आसपास और देख सकते हो इधर बच्चा लोग का रात को नींद आया कि नहीं आया? आया बढ़िया से, साफ कर दिया है रात से। फाइनली अपन जो है गुवाहाटी पहुंच गए और इधर प्लेटफॉर्म पर अभी हम इधर बाजार की तरफ जाएंगे, उधर देख रहे रूम वगैरह लेंगे और फ्रेश व्रेश होंगे। तो अभी हम स्टेशन से निकलकर जो है पल्टन बाज़ार आ गए हैं और ये कुछ पल्टन बाज़ार का नज़ारा है, देख सकते हो आप लोग। और अभी हम जाने वाले हैं होटल राजदूत में, वहाँ पर अपना दोस्त लोग जो है रूम ले रखा है। तो हमारा जो एग्ज़ाम है वो है कहाँ पे? सात गांव में। तो इसके लिए हम लोग जो है बस के लिए कंफर्म करने वाले थे कि किधर से मिलता है, तो जो बस मिलेगा स्टेशन के उस पर कहाँ पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकों का बैंक कहा जाता है। और अभी हम कहाँ पर जाने वाले हैं? होटल राजदूत में, यहाँ पे। तो फाइनली हम आ गए अपने रूम में और देख सकते हो इधर, वाह ये है अपना रूम, 1, 2, 3
चार पाँच छः बेड है इधर, और हम मैं इस पे सोऊंगा यार। और इधर से आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, बाहर का व्यू देख सकते हो आप लोग व्यू। तो चलो आप लोगों को मैं अब ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ, ऊपर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा। चलो चलो, ये है ऊपर का नज़ारा, और इधर से आप लोगों को पूरा मतलब व्यू दिखेगा, चारों तरफ का व्यू दिखेगा। इधर आप लोगों को जो है स्टेशन है, और उधर जो है पूरा मतलब वहाँ से लेकर जो है इधर तक पूरा स्टेशन है। तो पूरा यार मतलब अलग ही, मतलब ऊपर से देखने का मज़ा ही कुछ अलग है, मतलब पूरा व्यू देखने को मिलता है। तो अभी अपन जो है बस में बैठ चुके हैं, और ये है अर्जुन हमारे साथ में, और करण इधर है, उधर है अमित, और पिंटू उधर है, अपन इधर बैठे हुए। बस का नज़ारा आप लोग को एक बार ही दिखा देता हूँ, देख सकते हो बस का नज़ारा, बस भी पूरा खाली है। तो फाइनली अपन जो है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आ गए हैं, और ये है एंट्री गेट का नज़ारा। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट अंदर की ओर। तो इधर कोविड टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर एक फॉर्म भरना पड़ता है, ICMR एक फॉर्म भरना पड़ता है, एंड उसके बाद जो है हमें जाना पड़ता है अंदर की तरफ। तो फाइनली अपना जो है कोविड टेस्ट हो चुका है, और इधर देख सकते हो अपना जो है कोविड निगेटिव आया है, और यहाँ पर देखो पूरा भीड़ है, चारों तरफ जो है भीड़ है। इधर जो है सबका एक वो रखा है, मतलब सबका लेब वाइज बनाया गया है, सबका लेब ए में आपको कागज़ जमा देना पड़ेगा, फिर वो कागज़ साइन करके फिर वापस से वो लेब वो ए में भेजेगा, तब जाके आपका वो कोविड टेस्ट होगा, तब जाकर जो है वो आपको मिलेगा, मतलब आपका नाक में डालेगा, फिर रिपोर्ट जो है 5-10 मिनट में आप लोगों को हाथ में मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर हम आया था कितना बजे, मतलब 11 बजे के आसपास आया था, और अभी हो रहा है 11:20, मतलब लाइन में हम लोग 10-15 मिनट लगा, एंड उसके बाद खाली था, तो हम लोग का जो है जल्दी हो गया। और इधर में जो है पूरा भीड़ है, आप लोग देख सकते हो इधर में पूरा भीड़ है, इधर में मतलब भाई क्या बोलूँ आप लोगों को, चारों तरफ जो है पूरा भीड़ है, और सबका जो है इमरजेंसी का अलग है, उसके बाद जो लेब ए लेब बी में सबका मतलब कैटेगरी बनाया गया है, सीनियर सिटीजन का अलग लाइन है, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब जल्दी हो गया यार मेरा। सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्म लेना पड़ेगा, एंड उसके बाद जो है मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही जो है आप वहाँ पर जो है आपको एक और एक कागज़ दिया जाएगा, ये वाला कागज़ देगा आपको उधर से, जिसमें लिखा हुआ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, एंड उसके बाद जो है आप वहाँ पर आपका वो सैंपल लेगा, सैंपल लेने के बाद जो है 5-10 मिनट के बाद जो है आपको रिपोर्ट दे देगा। तो अभी हम चलते हैं कामाख्या की ओर, तो अभी टाइम भी हो चुका है, तो कामाख्या से निकलने के बाद जो है हम वहाँ से कुछ खाएंगे, मतलब लंच करेंगे। तो फाइनली अपन जो है झालुकबारी उतर गए, और यहाँ से अभी हम थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, मतलब बस वाला यार आगे लेके चला गया, तो अभी हम लोग को वापस से पीछे जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ। तो चलो, और अपना करण भाई जो है दो बार आया हुआ है, फिर भी इसको ध्यान नहीं है। वाह, हम उधर देख रहा था, दूसरा तरफ देख के। कामाख्या गेट देख सकते हो आप लोग, तो 5 जान बैठ गए हम लोग। तो हेलो, अभी हम लोग जो है मतलब कामाख्या गेट है ना भैया, कामाख्या गेट से हम लोग जा रहे हैं कामाख्या। अगर आपने अगर मेरा अगले वाला ब्लॉग जो है नहीं देखा तो वो देख लेना, उसमें भी मैंने झालुकबारी उतर के जो है मैंने मैजिक पकड़ा था, उसके बाद जो है हम लोग कामाख्या गया था। यहाँ से भैया फेयर कितना है भैया? 30 रुपया। और मतलब यहाँ से मतलब कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पूरा? तो यहाँ से जो है 5 किलोमीटर है, और मतलब जाने का समय जो है फेयर जो है इसका 30 रुपया है, और आने का टाइम में जो है 20 रुपीज़, मतलब उधर से आने का टाइम में आप लोगों को जो है 10 रुपया कम पड़ेगा, क्योंकि इधर से जो है चढ़ाव ज़्यादा है, उसके लिए 10 रुपया ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से भैया कितना मिनट लगता है? 10-15 मिनट लग जाएगा? 5 मिनट लगेगा यहाँ से। तो चलो अब हम चलते हैं डायरेक्ट। और भाई लोग कैसा है? जय माता दी, जय माता दी। तो चलो आप लोगों को मैं थोड़ा आगे का दृश्य भी दिखा देता हूँ। तो
भैया इधर से कोई भी बस मतलब गाड़ी आएगा तो मतलब 20 रुपीज़ ही लेगा। कोई कोई है 30 बोलेगा लेकिन चलना मत, मतलब उसको 20 ही देना है ना। आजकल क्या भैया ट्रांसपोर्ट भी आता है इधर डायरेक्ट? कहाँ से आता है? कचहरी। कचहरी से। अभी ये लास्ट कितना बजे खुलेगा ये बस? लास्ट कितना बजे? 6 बजे। 6 बजे तक है ना। तो चलो फाइनली अपन पहुंच गए कामाख्या टेम्पल और अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो अब हम लोग जो है आ ही गए हैं, मतलब थोड़ा सा दूर है यहाँ से। और जब मैं अगला बार आया था तो इधर क्या हुआ था, मतलब कोविड टेस्ट करा कर आना था एंड उसके बाद अगर कोई वैक्सीन लिया था तो उसका रिसिप्ट दिखाना था, सर्टिफिकेट दिखाना था, तब जाके एंट्री मिल रहा था। अभी क्या है अभी तो पता नहीं, लेकिन फिर भी अपन चलते हैं, देखते हैं इधर मतलब अभी का क्या सिचुएशन है। और अभी हम इस रास्ते से जाएंगे। तो देखो ये है इसका एंट्री गेट, ये है एंट्री गेट और अभी हम जो है गेट के सामने ही हैं। तो अभी हम जाएंगे इधर जाएंगे, अभी हम इधर जाएंगे। और तो अभी हम जो है मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो मंदिर के अंदर का नज़ारा, चारों तरफ जो है पूरा भीड़ है, देख सकते हो आप लोग। और अभी भी जो है मंदिर में मतलब कोविड का रिपोर्ट या तो आप अगर वैक्सीन लिए हो तो वैक्सीन का रिपोर्ट देखने के बाद ही जो है आप अंदर आ सकते हो। एंड चलो आप लोगों को मैं आगे का नज़ारा थोड़ा दिखा देता हूँ। और इधर देख सकते हो अपना दोस्त लोग भी इधर ही है। जो भी हम लोग पूजा पाठ करना था यार कर लिया एंड उसके बाद अगरबत्ती धूप काठी जो भी जलाना था हम लोग जला लिए। एंड उसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ ये है कामाख्या टेम्पल और इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये है बलि घर, यानी जो भी किसी का मन्नत है, जो भी किसी का मन्नत है यानी जो भी बलि दिलवाना चाहते हैं मतलब मन्नत वाले, तो लोग जो है बलि दिलवा सकते हैं इधर। और उसके बाद जो है एक बारी मैं आप लोगों को मंदिर का दृश्य दिखा देता हूँ। तो ये है कामाख्या टेम्पल, देख सकते हो आप लोग। और अभी जो है और भी लाइन लगे हुए है पीछे में, आप लोग देख सकते हो वो सारा जो है लाइन है पीछे में, तो बहुत ही बड़ा लाइन है। हम लोगों ने जो है अंदर नहीं गया, मतलब इधर से ही जो है पूजा कर लिया, मतलब इसके अंदर जो है उस वाले मंदिर में जो है हम लोग नहीं गया। तो अब हम लोग का जो है पूजा पाठ हो गया और अभी हम जो है निकलने वाले हैं गेट से। तो ये है मेन गेट और अभी यहाँ से हम निकल गए। तो गाइस मैं अभी मंदिर का बाहर निकल चुका हूँ और ये वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर से कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ खास ब्लॉग लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।